मैं प्रथम मनाऊं आपको मेरे पूरण कीजे काज। तो कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्ध करेंगे काम, बाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। तो श्री राधा माधव तुम्हें और हम नमन करें हर बार, कृपा दृष्टि में कीजियो मेरे नाम लगइयो पार। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूत। तो राम कथा यह होती है और आओ वीर हनुमान, आए सो आसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परिषद। देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे, कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरजा के साथ में किस तरह से हुआ। भगवान भोले बाबा की दूसरी शादी गिरिजा से कैसे भाई बताया। पहले जन्म में जब ये गिरिजा सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गई, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के घर, तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और ये गिरिजा जो थी ये बचपन में ही भगवान भोले बाबा का भजन करने के लिए वन में चली गई और मन में सिर्फ एक ही फैसला किया है, अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान शंकर जी के साथ, अगर भगवान भोले बाबा से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुआरे बन के रहेंगे, लेकिन शंकर जी के अलावा हम शादी करेंगे किसी से नहीं। इधर गिरिजा भजन में लीन है और उधर देवताओं के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई, एक तारक नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा।
तो सब देवता जाकर के ब्रह्मा जी से रोए, बोले प्रभु इस राक्षस पे विजय कैसे पाई जाए। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, इंद्र सुनो, इस राक्षस को मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। मतलब बोले जो भगवान भोले बाबा का लड़का होगा वो ही इसे मार पाएगा, उसके अलावा अभी कोई इसे मार नहीं पाएगा। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई।